अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ विद फाकिहा। में आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। ये एक बैग के बारे में है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हिंट दूं तो आप लोग शायद समझ जाएं कि मैं किस बैग की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये बैग लिए हुए देखा था प्रियंका चोपड़ा को, तो मुझे उस वक्त से था कि भाई मुझे ये बैग लेना है। लेकिन ये जो बैग उन्होंने लिया हुआ था वो था मीडियम साइज में। तो मैं यूजुअली बड़े बैग्स कैरी नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट टॉल। तो जो लंबे लोग होते हैं उन पे अच्छा लगता है कि वो बल्कि बड़े बैग्स ले लें। और दूसरी बात ये है कि मैं ज़्यादा सामान कैरी नहीं करती अपने साथ, अपने मतलब बैग में बहुत कम सामान होता है। ज़्यादा मेकअप भी अप्लाई नहीं करती इतना ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और मुझे ज़्यादा बड़े बैग्स भी नहीं पसंद। लेकिन एक बैग है जो मेरी विश लिस्ट में है, वो है लुई विटॉन का ऑन द गो पीएम साइज। बेसिकली आई एम नॉट अ टोट पर्सन, मुझे टोट इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइक क्रिस्टियन डियोर का जो टोट है और फेंडी का जो टोट है, वो मुझे थोड़ा टोट में मुझे होता है कि मैं टोट लेते हुए वो बहुत बल्की होते हैं। और फिर सेकंड ये होता है कि मुझे डर ये लगता है कि कहीं मेरा सामान ना गिर जाए या गिर ना जाए या सामान ना मतलब कहीं मिसप्लेस हो जाए। तो मुझे बैग ज़्यादातर जो है ना वो जो बंद हो जाते हैं जिपर या इस टाइप के बैग्स ज़्यादा पसंद हैं। और लाइक शोल्डर बैग्स की मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बड़े स्पेशल बैग के बारे में है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले मैंने प्रियंका चोपड़ा को लिए हुए देखा था। बेसिकली ये बैग है फेंडी फर्स्ट, और इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल लिख के रखी हैं क्योंकि मैं अपने सेलफोन से वीडियो बना रही हूँ तो मैं उस पर नहीं डिटेल उसमें ओपन कर सकती। तो ये बैग है फेंडी फर्स्ट स्मॉल, और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। बैग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये अवेलेबल है चार कलर्स में, जैसे कि है डार्क ब्राउन, पिंक, ब्राउन, बेज और ब्लैक। जो इसका जो मेरा फेवरेट कलर है वो है लाइक कैरमल ब्राउन कलर, जिसको आप कैमल कलर भी कह सकते हैं, कैरमल भी कह सकते हैं, ब्राउन भी कह सकते हैं। मुझे मेरे पास असल में इस कलर में बैग था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट दिस कलर। और मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ लाइट कलर्स। रीज़न ये है कि लाइट कलर्स आप कभी कभी ले सकते हैं, लाइट कलर्स गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। वेल, इसके बारे में बात होती रहेगी। और हाँ, मिंक फर में भी है ये बैग अवेलेबल, और इसके जो इसकी शूज़ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आई विल डेफिनेटली बाय देम, अभी नहीं बाद में। अच्छा, ये बैग जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया है इंग्लिश डिज़ाइनर किम निकोलस जोन्स। ये इनका डेब्यू डिज़ाइन है फॉर फेंडी। तो इसकी प्राइस है, जो मेरे पास है साइज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, एक मिनट, अभी इसको मैं रिवील कराती हूँ। दैट्स द बैग आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस बैग इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, और मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, लिटरली भी मैंने इस बैग को कैरी नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेलिकेट बैग है। तो मुझे ये देखिए, ये बैग है फेंडी फर्स्ट, दिस इज द स्मॉल साइज। इसकी जो आपकी मेजरमेंट है वो लेंथ है 26 सेंटीमीटर, हाइट है 18 सेंटीमीटर, और जो इसकी डेप्थ है वो है 9.5 सेंटीमीटर। 100% लैम्ब स्किन। अच्छा, जो इस बैग की मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्राइस आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक $2,650, और वेबसाइट पे ये प्री ऑर्डर कर सकते हैं आप, अभी अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को ये बैग दिखाऊं, इसकी ये लुक है। जो सबसे ज़बरदस्त मुझे इस बैग का मतलब जो इसकी जो इसका बनावट है ना वो इट्स रियली कूल। आप ये देखेंगे कि इसमें ये जो फेंडी का जो ये एफ साइन है, इज सो गॉर्जियस। मुझे इतना एक ज़बरदस्त लगा था, अट्रैक्टिव। इस मल्टीपल तरीक़ों से आप इसे ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं,
एज अ क्लच, एज अ शोल्डर बैग, और क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को इसको खोल के भी दिखाती हूँ। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसमें एक पुश बटन है, यहाँ पे आप इसको, जब आप इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और इसका इनसाइड तो और भी जबरदस्त है, मतलब इन्होंने इस बैग को जो है ना, इसके जो इनसाइड जो इसके फैब्रिक लगा हुआ है वो आइकॉनिक फेंडी का जो डिजाइन है वो है। लुक एट दैट, सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। और आई मीन मेटल, इतना गॉर्जियस बैग है ये, इट्स ऑल मेटल। और ये जो इसके लूप्स हैं, ये जो इसके हैंडल्स हैं, यू कैन वेयर इट एज अ, लाइक आई सेड, शोल्डर बैग, और क्लच भी ले सकते हैं। तो इसके जो ये मैं आप लोगों को अगर क्लोजली दिखाऊं, ये जो इन्होंने बनाए हैं इसके जो हैंडल्स हैं, लूप्स हैं, फॉर यू नो लाइक फॉर द स्ट्रैप, आप अगर इसको पुश करके एक इसको आप इसको ऊपर करके, और इसको आप ईदर वे आप अगर इसको घुमाएंगे, लाइक मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ अपने बैग्स के बारे में कि मैं इनको जो है ना वो ज़्यादा इनमें छेड़खानी ना करूँ, अगर ये टूट गया तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये देखिए, ये इसको यहाँ पे ऐसे आपने घुमाया और अंदर किया, आपने ऐसे बंद किया, और अब आप इसको कैरी कर सकते हैं एज अ क्लच। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैं एक्सपेंसिव बैग है भाई, मैं इतना ज़्यादा इसमें ना छेड़छाड़ी नहीं करना चाहती कि मैं इसको ऐसे भी करूँ, इसके मैकेनिज्म को छेड़ूँ, नहीं। तो भाई आई कांट अफोर्ड दैट, ये ख़राब हो गया। वैसे चीज़ है, किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है, इंसान की गारंटी नहीं है, तो फिर चीज़ की क्या होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना अच्छी बात है। तो मैं बहुत केयर से ना इसमें कोई डेंट ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं क्या हो गया, जब यूज़ करूँगी तो निशान तो आएगा ना, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मैं इसको दोबारा से ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट टू टेक इट ऑफ। और इसको यहाँ से आपने उठा के इसको घुमाना है, लाइक ऐसे ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक है ना, तो ये दोबारा से अंदर चला जाता है। फाइनली तो मैं ऐसे करती हूँ, नीचे रख के करती हूँ तो हो जाएगा। ओहो हो भाई, आराम से आराम से, कहीं टूट ही ना जाए। अभी कैरी भी नहीं किया है इसको ध्यान से। फाइनली, आप लोगों को नहीं पता मेरा दिल की धड़कनें जो है ना वो कितनी तेज़ हो जाती हैं। ओह गॉड, तो मुझे जो है ना वो हार्ट अटैक होने लगता है जब मैं ये कर रही होती हूँ कि कहीं। अब आप लोगों को भी बताना है ना, तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है, लेकिन मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ अपनी चीज़ों को कि ख़राब ना हो। इसके अंदर आप देखेंगे कि टैग भी है, ये फेंडी टैग लगा हुआ है, अंदर एक लोगो भी है, आप इसके मोटिव्स भी अंदर से देखें कितना खूबसूरत है। तो इसको आपने जो इसके स्ट्रिंग्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो है, इसको आप ट्विस्ट करके बहुत ईजीली हो जाते हैं। तो आपने इसको क्या कहते हैं, घुमाएंगे तो ये अंदर हो जाएंगे और आप इसको एज अ क्लच ले लें। अच्छा जी, तो इसके साथ जो है, इस बैग के साथ हमारा स्ट्रैप्स भी हैं। ये स्ट्रैप्स हैं इसके, मैंने इसको एक्चुअली इसमें से निकाला भी नहीं है। तो ये स्ट्रैप हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त। ये इसका मैकेनिज्म है इसका, ये ऐसा है, आप लोगों को शायद दिख रहा हूँ यहाँ से, या आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। और इसको आप इजीली जो है वो इसमें टक कर सकते हैं, लाइक ऐसे, और ये देखें, ज़बरदस्त इसकी लुक है। और बहुत डेलिकेट बैग है, मैं जो है ना इसको, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ एवरीडे बैग, आप इसको एवरीडे ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप जो है ये ख़राब हो जाए तो आप, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप लें। तो लेकिन मैं जो है इसको मतलब एवरीडे बैग की तरह नहीं लूँगी, जिसके जो है ना, जब
ओकेजन वाइज इसको मैं कैरी करूंगी। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को ये बैग कैसा लगा। मेरा ये मोस्ट फेवरेट बैग है अभी तक का, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स भी बता दी हैं, कलर्स भी बता दिए हैं। ये स्मॉल साइज है और इसमें मीडियम साइज भी अवेलेबल है, और हाँ बिल्कुल मिनी साइज भी हैं छोटे वाले, वो जस्ट लाइक इट्स अ कीचेन की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत स्टफ आप डाल सकते हैं, कॉइन्स और जो है। तो इसका हार्डवेयर आप देखेंगे इतना खूबसूरत है, ऑल मेटल है, और ये काफ्सकिन लेदर है, बहुत डेलिकेट है, ईजिली जो है वो स्क्रैच हो जाएगा मेरे हाथ से। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मेरे हाथ से छूट भी चुका है एक बार, मेरा दिल जो है ना वो बाहर आ गया था, है निशान तो नहीं आ गया कहीं। तो जैसा मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी चीज़ों के बारे में, बहुत जो है ना चीज़ ख़राब ना हो, ये ना वो ना हो। मुझे याद है अम्मी कहती थी कि वाकई क्या हो गया, चीज़ें यूज़ करोगी तो ख़राब होगी। इस मामले में मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो माशाल्लाह चीज़ें जो है वो यूज़ भी कर लेती है, और कहती है कि चीज़ें यूज़ करने के लिए हैं, ख़त्म करो। अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा जो है वो चेंज करने की कोशिश की है कि भाई क्या कहते हैं, आप थोड़ा अपने आप को जो है वो बदलो, चीज़ें हैं वो पहनो। ये इसका सारा कार्ड और जो चीज़ें हैं इसकी, ये सब हैं इसमें, ये इनवॉइस है इसकी। और तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये बैग आपको कैसा लगा। और हाँ बस देखें, मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये आपको बैग इसके फोटोशूट भी करूँगी, और डेफिनेटली आप लोगों को अपने और बैग्स भी दिखाऊंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये बैग कैसा लगा। भाई मेरा तो ये फेवरेट बैग है, इट्स यू नो लाइक क्यूट बैग, क्यूट फेवरेट 21st, राइट। सो मेरी तो रिकमेंडेशन है आप बाय करें ज़रूर, बड़ा अच्छा लगता है बड़ा बाय करें, छोटा अच्छा लगता है छोटा बाय करें। मे बी इन फ्यूचर मैं इसका ब्लैक बैग खरीद लूँ बड़ा वाला। एक्चुअली मेरे पास काले बैग जो है ना, ब्लैक कलर के बैग्स बहुत सारे हैं। मैं जब बैग्स लेती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे जहन में ये आता है कि कलर हो जो न्यूट्रल हो, जो आप मतलब हर कपड़ों के साथ पहन सकें। ये न्यूट्रल बैग है, जो ब्राउन है, कैरमल कलर, आप इजीली जो है वो पहन सकते हैं दूसरे किसी भी मतलब ड्रेस के साथ। ब्लैक का ये है कि वो भी ईजी आप पहन सकते हैं। तो मैं यूजली नहीं लेती डिफरेंट कलर्स के बैग, कभी कभी सोचती हूँ ले लूँ, पर कहती हूँ यार इतना एक्सपेंसिव है, मैं कोई नॉर्मल कलर लूँगी तो फिर वो कपड़ों के साथ जाएगा नहीं। यही वजह है कि मेरे पास ज़्यादातर जो है वो ब्लैक बैग्स हैं, इसी वजह से मैंने थोड़ा ब्लैक को अवॉइड किया था ये बैग लेते हुए, और फिर मैंने कहा कि मैं जो है वो कैरेमल कलर ले लूँ। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद था कैरेमल कलर, तो मैंने ले लिया। वेल यहाँ पर मैं वीडियो का करती हूँ इख्तिताम, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये बैग। और इंशाल्लाह चलें अगली वीडियो में मुलाकात होती है, डेफिनेटली मैं अपने और लग्जरी बैग्स की वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, और भी डिफरेंट चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करें, हाँ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इट्स अ यू नो लाइक जनरल सा चैनल है, यानी आप लोगों को इसमें कुकिंग भी मिलेगी, लाइफस्टाइल्स के हिसाब से है, और आप लोगों को इसमें ट्रैवलिंग भी मिलेगी। मेरी कोशिश है कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाऊं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मेरी वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को अगर आगे पीछे लगे कि मैं एडिटिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, मे बी इस वीडियो को मैं ऐसी अपलोड कर दूँ। तो चलें मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।